टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो यस गाइस, इस वीडियो में हम अपने नए व्लॉगिंग सेटअप को करेंगे अनबॉक्स। तो मेरा नाम है रियांश, आप देख रहे हैं बाइक लेकर निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये बॉक्स तो मुझे वैसे कल डिलीवर हो चुके थे, बट मुझे पता नहीं मैं इतने दिन कैसे रुक गया। वन थिंग इज, ये जो ट्राइपॉड है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमको आज ही डिलीवर हुआ है। तो मैं चाहता था कि अनबॉक्सिंग थोड़ी सी एकदम तगड़ी वाली हो, थोड़ा सा हम नए एंगल्स को ट्राई करें। सो अगर आपने उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाई, ये मैंने एक अलग साइट से मंगवाई है। कितना मस्त कार्टून बना हुआ है इसके ऊपर। सो अब इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। पहले किसके गड़े गाइस, ये वो चीज़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब से, मतलब खुशी देख रहे हो चेहरे की। सो ये हमारा बोया बाय MM1 शॉटगन माइक। पीछे लिखा है कंपैटिबल विद स्मार्टफोन्स, DSLR, टैबलेट, कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, रग्ड मेटल कंस्ट्रक्शन, नो बैटरी रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल फरी विंडशील्ड इंक्लूडेड। खोल लिया जाए। जो अभी सो ऐसे कुछ पैकेजिंग में ये आया है। ये हमारा शॉक स्टैंड, इसके ऊपर माइक फिट होगा और कैमरा में आएगा। ये कैमरा से अटैच करने वाली केबल, फोन से अटैच करने वाली केबल, कैमरा रखने के लिए एक अच्छा खासा क्वालिटी का पाउच जिसके आगे ब्रांडिंग भी है बोया की, वारंटी कार्ड, सिलिका जेल पॉकेट एंड हमारा माइक। तो ये हमारा डेड कैट है माइक के ऊपर का, माइक इसके अंदर है। तो ये हमारा डेड कैट है एंड दिस इज आ माइक। पीछे की साइड में यहाँ पर पोर्ट दे रखी है जिससे हमारा DSLR कनेक्ट हो जाएगा। सो अब इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डेड कैट में डाल देते हैं, उसके बाद ये जो शॉक एब्जॉर्ब स्टैंड है इसको फिट करते हैं। एक और चीज गाइस, ये शॉक एब्जॉर्बर है तो सही, बट ये थोड़ा सा डेलिकेट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से यूज करना पड़ेगा जब भी आप निकाल रहे हैं डाल रहे हैं। वैसे तो मैं इसको नहीं निकालने वाला हूँ अब, जैसा कि जैसा मैंने फिट कर दिया, क्योंकि इसको चार्ज करने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही हमारी वायर, बट एक प्रॉब्लम है, हमारा DSLR तो वहाँ कनेक्टेड है, बाद में कर लेंगे। अब बारी है दूसरी अनबॉक्सिंग की। सो गाइस, ये है हमारा जंबो गोरिल्ला पॉड। जंबो इसलिए क्योंकि इसका साइज देख लो आप, ये मुझे सच में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो गाइस, अब मैं आपको इसकी एक्चुअल साइज का अंदाजा देता हूँ कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। एक तो ये ऑलरेडी जंबो साइज का गोरिल्ला पॉड है, उसके अलावा ये 13 इंचेस का है। और अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपेरिजन दूं अपने पुराने गोरिल्ला पॉड पे, शर्म आ जाएगी आपको, मुझे खुद को शर्म आ गई। मतलब ये देखो, ये कैमरा में ऐसे फिट हो रहा है। शिट मैन, अच्छा यहाँ से देख लो, एक तो ये है 10 इंच का, ये है 13 इंच का, ये है नॉर्मल साइज गोरिल्ला पॉड, ये है जंबो साइज गोरिल्ला पॉड। मुझे लगा नहीं था ये इतना बड़ा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छी डील पे मिला है। सो गाइस, अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली है, अब इसको फटाफट सेटअप करता हूँ और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। लेकिन वो टेस्टिंग हम करेंगे मे बी कल, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है और फिर रात हो जाएगी। सो कल मिलते हैं। 2000 years later. So guys, ये है मेरे पीछे कूलर, और मतलब हम सबसे एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं इसकी हवा से। अगर इसने इसकी हवा सहन कर ली तो ये किसी भी एनवायरनमेंट में जा सकता है। और हवा फिलहाल मेरे मुंह पे लग रही है, इस पे भी लग रही है, एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं। सो कैन यू गाइज हियर मी, एकदम उसके सामने रखा है मैंने। और अब आप लोग जो सुनने वाले हो आवाज़, वो बिना माइक की है। और अब तो गाइस, आप लोगों ने जो अभी लास्ट क्लिप देखी थी इसमें माइक नहीं लगा हुआ था, तो आप लोग पता चल गया होगा कि बिना माइक के कितनी विंड नॉइज आती है, आवाज़ सी आती है, ख़राब ख़राब सा हो जाता है। और अब माइक लगा हुआ है तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि पहले कैसी आवाज़ थी और अब कैसी आवाज़। सो बेसिक डिफरेंस तो आपको क्लियर हो चुका है, अब बात आती है कि आपको ये लेना चाहिए। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़रूर लेना चाहिए अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको माइक यूज़ आए, बिकॉज इट्स द बेस्ट बजट माइक अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। मतलब इससे ज़्यादा सस्ता और शॉटगन माइक
बाइक कोई अवेलेबल नहीं है। प्लस क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है, इसमें बैटरीज नहीं लगती है। ऐसी थोड़ी बहुत चीजें मिलाकर ये माइक जो है इस रेस में सबसे आगे निकला है। तो मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप। और अब बात कर लेते हैं उस साइट की। साइट का नाम है fo2.in, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको पहले ही बता दूं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये साइट काफी जेन्युइन लगी है मुझे। और इस पर जितने भी प्रोडक्ट्स है, मतलब इस पर आपको सारे कैमरा रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, इवन कैमराज, लेंसेज, मेमोरी कार्ड्स, बैटरी, A to Z कैमरा रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब आपको इस साइट पे मिल जाएगी, वो भी Amazon, Flipkart या इंडियन मार्केट से सस्ते। फॉर एग्जांपल ये जो माइक जो हमने मंगवाया ये 1800 का Amazon पर मिल रहा था, बट इस साइट पे मुझे मिला है 1550 रुपीज का। एंड टॉकिंग अबाउट ट्राईपॉड, तो ये ट्राईपॉड जो जम्मू वाला है ये मुझे मिला है ओनली 500 रुपीज में, जबकि Amazon पर ये अवेलेबल भी नहीं है, समझ जाओ। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी हेल्प कर दी होगी कि आपको ये माइक लेना चाहिए या नहीं चाहिए, और एक बार से उस साइट को ज़रूर चेकआउट करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सॉरी, धूप में आँखें थोड़ी हो जाती है, समझ गए ना।